हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। तो आईटीआई के से रिगार्डिंग आपको कोई भी नोटिफिकेशन, वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर टाइम आपके नई नई वैकेंसीज के बारे में इस चैनल पर जानकारी देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू कर लेते हैं, नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की ओर से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन निकली हुई है जिसकी इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे लिखी हुई है। अप्लीकेशन ऑनलाइन डेट यहाँ पे 7/7/2022 से क्लोजिंग डेट है 31/7/2022। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेट है तो इसके फॉर्म अप्लाई करने की ओपनिंग डेट आपकी 7/7/2022 से 31/7/2022 आपकी लास्ट डेट है। दोस्तों फिर नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड की कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। चलिए दोस्तों, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पे टोटल 10 हैं, ग्रेजुएट सिविल की वैकेंसी 5 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस की 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन सिविल की दोस्तों 5 वैकेंसी है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की टोटल 38 वैकेंसी है, एचआर एग्जीक्यूटिव की 16 वैकेंसी है और सीएसआर एग्जीक्यूटिव की टोटल 2 वैकेंसी है। टोटल यहाँ कुल मिला के 90 वैकेंसी जनरेट हुई है उत्तर प्रदेश रीजन एनआर थर्ड से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इससे पहले की फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन की वैकेंसियों के बारे में बताया हुआ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, मैं ऐसी नोटिफिकेशन अपडेटेड लाता रहता हूँ। आईटीआई से रिगार्डिंग आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड रीजन एनआर थर्ड की वैकेंसी, यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टोटल 2 वैकेंसी, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी, एचआर एग्जीक्यूटिव की 1 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी जनरेट हो रही है उत्तराखंड रीजन एनआर 3 से। चलिए दूसरे, यहाँ पे 2 स्टेट की वैकेंसियां निकली हुई थी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, तो आइए जान लेते हैं किस लोकेशन पे आपको अलॉट किया जा सकता है ट्रेनिंग के लिए। उत्तर प्रदेश रीजन की सबसे पहले हम बात कर लें तो यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं जहाँ पे आपका ट्रेनिंग चलेगी। तो ट्रेनिंग आपकी कहाँ होने वाली, आगरा में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद ऑफिस में, औरैया में, आजमगढ़ में, बलिया में, बरेली में, फतेहपुर में, फिरोजाबाद में, गोरखपुर में, कानपुर में, सोहावल में, वाराणसी में, तो काफ़ी जगह आपको दी हुई यहाँ पे, लखनऊ में भी, मैनपुरी में, मोहनलालगंज में, मिर्जापुर में, उरई में, रायबरेली में, रामपुर में, आरएचक्यू लखनऊ में, रिहांद में, संबल में, शाहजहाँपुर में और शक्तिनगर में। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा मौका है कि इसमें अप्लाई करके वो आप अपने बगल में ही अप्रेंटिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको अप्रेंटिस करनी पड़ती है तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है आईटीआई कैंडिडेट या फिर डिप्लोमा या बीटेक कैंडिडेट को अपने घर के बगल में ही, जिससे कि उनको काफ़ी पैसों की भी बचत हो जाएगी और उनको बाहर भी नहीं रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड है उत्तराखंड में जलजीबी में, पिथौरागढ़ में या सतरंगगंज में, ये लोकेशन यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। स्टाइपेंड की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे 15,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रेजुएट सिविल की बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक होना चाहिए, यहाँ पे बीई और बीटेक या फिर बीएससी भी कर रखा है आपने सिविल इंजीनियरिंग से तो वो भी यहाँ मान्य है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्टाइपेंड है 15,000 रुपये। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से तो यहाँ पे आपको बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे 15,000 रुपये दिया जाएगा। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस है तो आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी बीटेक किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टाइपेंड होगा 15,000 रुपये। बात कर ले डिप्लोमा कैंडिडेट वालों के लिए, यहाँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने कर रखा है
डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उनको 12,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। डिप्लोमा सिविल वालों की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया उनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे स्टाइपेंड के तौर पर। इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फुल टाइम कोर्स 11,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। HR एग्जीक्यूटिव की बात कर ले, यहाँ MBA HR पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 ईयर फुल टाइम कोर्स, यहाँ पे फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग मान्य नहीं है, यहाँ पे 15,000 रुपये इनका स्टाइपेंड होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, CSR एग्जीक्यूटिव की। CSR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यहाँ 2 साल का फुल टाइम मास्टर इन सोशल वर्क MSW और रूरल डेवलपमेंट या फिर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपका स्टाइपेंड रहने वाला है 15,000 रुपये। पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2,500 इन केस ऑफ नो कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, अगर कंपनी, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कंपनी ने अगर आपको कोई क्वार्टर अलॉट नहीं करती तो इन एडिशनल वो 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देगी। ये चार्ज सबको सामान्य रूप से मिलेंगे, चाहे वो ITI कैंडिडेट हो, डिप्लोमा हो या BTech कैंडिडेट हो या कोई अदर HR एग्जीक्यूटिव या CSR एग्जीक्यूटिव हो। चलिए दोस्तों नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको किन किन लोगों को अप्लाई नहीं करना है, जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, जो 18 साल से कम है, जिन्होंने कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अप्रेंटिस कर ली है या फिर कहीं जॉब ट्रेनिंग 1 साल से ज़्यादा कर रखी है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नीचे बढ़ जाते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। आपको TA कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन थी। नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो ITI कैंडिडेट हैं, एग्जीक्यूटिव लॉ कैंडिडेट हैं और CSR एग्जीक्यूटिव या फिर HR एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे apprenticeship.gov.in यहाँ पे साइट दी है, यहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट को यहाँ पे इन्होंने अलग से पोर्टल बनाया हो, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, portal.mhrdnets.gov.in पे यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस भी बताया हुआ रजिस्ट्रेशन का, www.powergrid पे जाना है, उसके बाद करियर के लिंक पे क्लिक करना है, फिर एक लिंक आएगा रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, यहाँ क्लिक करके अप्लाई का ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नई अपडेट जो भी नोटिफिकेशन ITI के रिगार्डिंग आपको आती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।